सातवीं राष्ट्रीय दृष्टि बाधित एवं मूक बधिर जूडो प्रतियोगिता का शनिवार को गोरखपुर कलम में कमिश्नर अमित गुप्ता द्वारा विधिवत शुभारंभ किया गया। इस प्रतियोगिता में 18 प्रदेशों से 700 से अधिक खिलाड़ी व तकनीकी अधिकारी भाग ले रहे हैं। इस प्रतियोगिता का पिछला सफल आयोजन लखनऊ में फरवरी 2018 में किया गया था। ये प्रतियोगिता सब जूनियर व जूनियर बालक व बालिका, सीनियर पुरुष व महिला वर्गों में खेली जा रही है। इस प्रतियोगिता में 38 स्वर्ण, 38 रजत व 76 कांस्य पदक दोनों दृष्टिबाधित व मूक बधिर श्रेणी में दांव पर होंगे। आज के समारोह में कमिश्नर अमित गुप्ता के अतिरिक्त अन्य गणमान्य व्यक्तियों में के विजेंद्र पांडेन जिलाधिकारी, इंडियन ब्लाइंड एंड पैरा जूडो एसोसिएशन के संस्थापक सचिव मुनव्वर अंजार, डेफ जूडो एसोसिएशन ऑफ इंडिया के संस्थापक सचिव आयशा मुनव्वर, यूपी ब्लाइंड एंड पैरा जूडो एसोसिएशन के सचिव सुधीर हलवासिया और ओलंपियन व अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित अक्रम शाह उपस्थित थे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेय ने कहा, क्या रही है
पिछले 20-25 सालों से जुड़े हुए थे, उनसे मैंने जिक्र किया दोनों जाने मुनवर को बनाओ और हम इनिशिएटिव लेते हैं। और तब इस चीज 2011 में हम लोगों ने नींव रखी, 2012 से हमने राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं करानी शुरू करी। 2019 से ये 7वीं प्रतियोगिता है। हर साल पहली प्रतियोगिता में लगभग 150 से 200 बच्चे थे। ये बच्चे इंडिया को जिला स्तर से वर्ल्ड चैंपियनशिप तक पार्टिसिपेट कर चुके हैं। मैं चाहता हूं जिन्होंने डेफ ओलंपिक में हिस्सा लिया वो हमारे बीच हैं, और जिन्होंने इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में इंचॉन एशियाई खेलों 2014 वो सब अपनी जगह हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, जो ब्लाइंड है वो खड़े हो जाइए जिससे आपको ये देख ले। इंटरनेशनल प्लेयर्स जितने भी हैं प्लीज। और मनोहरन, नगेश्वरी, सुमन, ये जो पीछे लड़की हाथ उठा रही है, हरियाणा गवर्नमेंट को इतने मेडल दिए कि अब तक पिछले 4 सालों में 65 लाख रुपया ये ले चुके हैं। ये संस्था ये काम कर रही है और इतने बच्चे हमारे, आप देखिए जो समाज में अपने घर परिवार से भी पीछे कर दिए जाते हैं, उनको हम लोगों ने लाके ऐसा स्टेज दिया है, ऐसा मार्क इनको दिया और इनको बढ़ाया कि ये अपने कॉलेज में, अपने जिले में, अपने गांव में ये अपना कलर दिखाते हैं कि मैं इंडिया के हूं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप नेशनल ब्लाइंड एंड पैरा जूडो चैंपियनशिप के इस आयोजन के अवसर पर यहाँ उपस्थित मंचाते सभी अतिथिगण, जो पूरे देश से यहाँ आए हैं, ऐसे विभिन्न प्लेयर और ऑफिशियल जो टूर्नामेंट में भाग लेने बच्चे आए हैं जिनकी संख्या लगभग 700 है, यहाँ उपस्थित सभी साथियों, मुझे बड़ी खुशी है कि इस बार ये टूर्नामेंट हमारे यहाँ गोरखपुर में आयोजित हो रहा है नेशनल लेवल का, और आयोजकों ने गोरखपुर को इसके लिए चुना। मैं इसके लिए अवस्थी सर जो अध्यक्ष हैं और जो सचिव मनोहर राणा जी हैं जनरल सेक्रेटरी, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने गोरखपुर को इसके लिए चुना। संक्षेप में परिचय दिया उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ और निश्चित रूप से बहुत कम समय में काफ़ी बड़ी सफलताएं अर्जित की हैं। यहाँ इंटरनेशनल नेशनल लेवल के भी सभी खिलाड़ी मौजूद हैं और जिन्होंने काफ़ी नाम कमाया, ये देखकर ये जानकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। मैं यही उम्मीद करता हूँ कि टूर्नामेंट अपने आयोजन में सफल होगा और सभी लोग पूरे खेल भावना का परिचय देते हुए अपना अच्छे से अच्छे प्रदर्शन करने का प्रयास करेंगे, और जो यहाँ खिलाड़ी आए हैं मैं उन्हें ये शुभकामना देता हूँ कि वे बहुत आगे बढ़ें और न केवल देश बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर अपने देश का, अपने क्षेत्र का, अपने माता पिता का नाम रोशन करें। तो सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएँ। सेवन ब्लाइंड एंड पैरा जूडो चैंपियनशिप के विधिवत उद्घाटन की घोषणा करता हूँ। नीड आउट वॉलंटियर्स।
हजमी व्यक्ति ने कहा हजमी मतलब सा जापानीज में, उसमें टेक्निक्स होती हैं जूडो की, एंड द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ जूडो इज कि हम अपने अपोनेंट को सेंटर ऑफ ग्रेविटी को डिस्टर्ब करके कोशिश टेक्निक की बट असफल रहे। साइकोमी दिया रेफरी ने, साइकोमी मतलब ग्राउंड में काफी छोटा लगा एंड विसल गोज एंड चैंपियनशिप चल रहा है, यानी जो नेत्रहीन और जो श्रवण बाधित बच्चे हैं उन्हीं लोगों का नेशनल लेवल का कार्यक्रम है, ये इवेंट है। खासतौर पे 10 साल से 15 साल, 15 साल से 20 साल, 20 साल को ऊपर तीन कैटेगरी का है,
38 कैटेगरी में इस पे प्राइज हम देते हैं, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रांज मेडल। उसमें पूरे प्रदेश से बच्चे आए हुए हैं यहाँ, तो तमिलनाडु से, जम्मू कश्मीर से, पंजाब से, नॉर्थ ईस्ट, नागालैंड से, हर जगह से। एक आपस में एक अच्छा कॉम्पिटिशन है, 3 दिन चलेगा ये, और उसके बाद पुरस्कार करेंगे इस पे। अच्छा, जो बच्चे खेलते हैं उनके इंटरनेशनल लेवल पे भी आगे भेजेंगे। उसी का प्रारंभ किए माननीय मंडलायुक्त महोदय माध्यम से ये प्रारंभ हुआ है, और कल भी चलेगा, परसों भी चलेगा, समापन परसों तक है।